Hi viewers, this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Mia Safdar Hussain, CEO of Copperget. Hello sir, welcome to our show. It's a pleasure that you're here with us today. To start off, अपने बारे में बताएं कैसे professional life का आगाज हुआ, कैसे आपकी journey शुरू हुई? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. First of all, thank you very much. मेरा नाम मियां सफदर हुसैन जी और by profession मैं engineer हूँ जी और UET लाहौर से मैंने engineering की और वहीं से ही ये सारा ख्याल आया मुझे कि बिजनेस को कैसे करना है, इंडस्ट्री कैसे लगाते हैं, बिकॉज कि वहाँ पे हमें मौका मिलता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को विज़िट करने का. तो आई विजिटेड एज यूजुअल मैनी फैक्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्री. तो उसके बाद फिर एक दिन हमने वायर एंड केबल इंडस्ट्री को विज़िट किया. अच्छा. हमारा जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट्स होता है फाइनल ईयर का, तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि वायर एंड केबल इंडस्ट्री में हमने एक्सेल करना है. okay. उसी में हमने अपना नाम बनाना है. सही. तो Copperget का जो कह लें एक स्टार्टिंग पॉइंट था वो दैट वाज राइट आफ्टर योर इंजीनियरिंग डिग्री या कुछ अरसे बाद आपने रियलाइज किया कि आई नीड टू वेंचर आउट इनटू माय ओन बिजनेस. वो द प्रोसेस और जर्नी कैसी रही और किस तरह शुरू हुई Copperget? एक्चुअली आपको मालूम है कि जब बंदा स्टूडेंट होता है तो उसके पास रिसोर्सेज और प्लानिंग, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ रिसोर्सेज बंदा डिस्कस करता है अपने कुछ जो आपके मेंटोर्स होते हैं उनसे डिस्कशन के बाद किसी नतीजे पे हम पहुंचते हैं. बिल्कुल. तो उस वक्त सबसे पहले आज से 30 साल पहले पीछे चले जाएँ जी, तो उस वक्त मैंने एक वेंचर किया, मतलब एक पार्टनरशिप की. सही. और हम वायर एंड केबल इंडस्ट्री में आ गए. ओके. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा प्रोजेक्ट, हमारा जो जीवी प्रोजेक्ट था. सही. उसके बाद फिर हमने Copperget केबल्स का आगाज़ किया. और गैट, हमारे Copperget में जो G80 है, इट मीन्स जर्मन अमेरिकन टेक्नोलॉजी. आई वॉज गोइंग टू आस्क यू के जो नाम है ना वो किस तरह थॉट प्रोसेस हुआ और वॉट डज इट एग्जैक्टली मीन, सो दैट जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता हो कि Copperget है और ये क्या, वॉट डज इट स्टैंड फॉर. बड़ा अच्छा है आपने ये कन्फ्यूजन दूर कर दी. अक्सर Copperget भी जहन में आता है. बिल्कुल. अक्सर पाकिस्तान में क्योंकि लोग उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है तो वो Copperget को Copperget पढ़ रहे हैं. जी बिल्कुल. बेसिकली इट्स अ Copperget. यस. गैट मीन जर्मन अमेरिकन टेक्नोलॉजी. और इसका जो थीम है वो है कि वी प्रोसेस Copper विद जर्मन एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी. ओके. अच्छा, गिवन दैट यू आर एन इंजीनियर, बैकग्राउंड आपकी ऑब्वियसली वही है, और बिजनेस लेकिन एक अपना वेंचर डेवलप करने में और बहुत से फैक्टर्स ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होते हैं, बट आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपके पास वो टेक्निकल एजुकेशन थी तो हाउ हैज़ दैट हेल्प्ड आउट इन पैनिंग आउट योर करियर एंड देन एवेंचुअली मूविंग टूवर्ड्स Copperget, जो है ही एक तरह से यूजुअली ये ज़रूरी नहीं होता कि जो CEO हैं या जो फाउंडर ऑफ द कंपनी है उनका एक्सपर्टीज भी वो टेक्निकल वाली हो. तो आपको लगता है कि उसने बहुत वैल्यू ऐड की आपके बिजनेस में, उसको सक्सेस दिलाने में? बेसिकली कोई भी प्रोफेशनल आदमी हो, खा वो मार्केटिंग का हो या टेक्निकल साइड से हो, प्रोफेशनली चीज़ों को लेके आगे जाना बहुत अच्छा भी लगता है, ज़रूरी भी है. बिल्कुल. तो ये Copper और उसके बाद वायर और केबल कंडक्टर, ये टोटली एक टेक्निकल फील्ड है, ये बहुत हाई टेक फील्ड है. अगर हम इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन में जाएं, स्टैंडर्ड्स में जाएं, तो बीइंग एन इंजीनियर मुझे ये एडवांटेज मिला कि हमने पाकिस्तान में वायर एंड केबल इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से
स्टैंडर्डाइजेशन लेके आया इसके अंदर सही। और मेरा जो एक एक नेचुरल इंसान के अंदर एक एलिमेंट होता है, टैलेंट होता है, तो इंजीनियरिंग से हटकर मेरे अंदर मार्केटिंग के ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना जरासीम होते हैं। तो मैं एक वायर एंड केबल इंडस्ट्री को टोटली डिफरेंट तरीके से देख रहा था। पहले होता था जैसे किसी ने घर बनाना है या इंडस्ट्री लगानी है तो वो लोग दुकानों पे जाते थे, शॉप से जाके वहाँ से वायर सिलेक्ट करके ले आते थे। अब जब हमने अपनी वायर्स और केबल्स का आगाज़ किया तो हमने पहले दिन से ही सोचा कि हम खुद एंड यूज़र के पास जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा थीम था वो था डायरेक्ट मार्केटिंग और सेलिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में क्योंकि पहली दफ़ा हमने एक्सरसाइज किया, एक हमने जो टैग लाइन कि हमने डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, उससे हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था उसको बीच में एलिमिनेट किया। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिन था वो हमने पास ऑन किया डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, एंड यूजर्स को। तो उससे हमें बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिली और देखते ही देखते हमारा ब्रांड एस्टेब्लिश। ऑल्सो आई डू फील दैट आई थिंक आपका खुद का भी मार्केटिंग में इंटरेस्ट रहा है, यू ऑल्सो डन योर MBA इन मार्केटिंग। वो जो एक थॉट प्रोसेस था कि एक टेक्निकल चीज़ के साथ मार्केटिंग और ब्रांडिंग को एसोसिएट करना, वो आपका थॉट प्रोसेस था, और हाउ हैज़ दैट हेल्प्ड आउट इन मेकिंग दिस बिजनेस अ सक्सेस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जितनी भी अच्छी चीज़ आप बना लें टेक्निकली बहुत हाई फाई चीज़ आपने डेवलप कर ली है, अगर उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग अगर वो आपका ट्रैक सही नहीं है तो वो तो चीज़ बना के आपके गोदाम में पड़ी रहेगी या फैक्ट्री में पड़ी रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे मार्केटियर्स मिले और अच्छे मेंटोर्स मिले, हमने साथ साथ अपनी टीम को भी डेवलप किया। बिकॉज मेरा बिलीव है कि एक काम अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई तो है जो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो देन वी हायर्ड डिफरेंट पीपल, और मेरी कोशिश यही रही है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब होना चाहिए। कि हर काम एक बंदा या खुद नहीं कर सकता ना, मेरे अंदर जितना भी टैलेंट हो पर मैं एक अच्छा जिसे कह सकते हैं एक टेक्निकल पर्सन तो हो सकता हूँ, बट हर फील्ड में मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता। लेकिन वो विजन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैड कि इसके साथ एक मार्केटिंग की एसोसिएशन की जाए, एक ब्रांडिंग की एसोसिएशन की जाए। आई हैव ऑलवेज हर्ड एंड नोन अबाउट, इवन दो खवातीन को वायरिंग और केबल्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, बट फिर भी वी ऑल नो दैट इट्स लाइक अ हाउस होल्ड नेम बिकॉज हमने हमेशा से एड्स देखे हैं, विजुअल्स देखे हैं। तो आई थिंक वो विजन होना भी बड़ी एक बात होती है। बी एंग लेडी, आप को भी मैं यही थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वायर और केबल चाहे वो घर हो, इंडस्ट्री हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, इसका बड़ा रोल है। बिल्कुल। एक तो चलें बिजली के बिल में आपको बचत होगी अगर आप प्योर कॉपर वाली वायर यूज़ कर रहे हैं। सही। उसके अलावा शॉर्ट सर्किटिंग से महफूज रहता है। बिल्कुल। और घर हमेशा महफूज होना चाहिए, और वो जब तक अच्छी वायरिंग नहीं होगी वो महफूज नहीं होगा, हर वक्त एक फियर का शिकार आप रहेंगे। सही। अच्छा मुझे बताएं कि कॉपर गैट ऑब्वियसली इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स एंड केबल्स, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आपके अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, और उसके अलावा जो आपकी क्लाइंट बेस है वो किस किस्म की है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर? देखिए वायर एंड केबल एक इतनी वसी फील्ड है, वेरी ब्रॉड बेस्ड फील्ड है। इसमें हम अगर सिर्फ वायर एंड केबल को ही लें ना तो इसमें एक तो ओवरहेड कंडक्टर्स हैं जो आप अक्सर देखते हैं, जो वापडा की भी बेशुमार लाइनें चल रही होती हैं। उसके बाद केबल्स हैं जो अंडरग्राउंड, आजकल जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं उसमें अंडरग्राउंड वायर्स और केबल्स डल रही हैं। सही। उसके साथ साथ फिर आपको स्पीकर के लिए अलग वायर चाहिए, नेटवर्किंग के लिए अलग वायर चाहिए, आपको फायर अलार्म केबल्स अलग चाहिए, इसी तरह आजकल सोलर केबल अलग डेवलप हो गई हैं। अच्छा। फिर कंट्रोल केबल्स आपको चाहिए कि एक ही जगह पे खड़े होकर आप 100 जगहों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल केबल्स कहते हैं। तो इसलिए केबल्स बीइंग एन इंजीनियर मुझे तो मालूम है कि केबल इतनी वसी फील्ड है कि अगर हम मजीद 100 साल भी इसमें काम करते रहें तो फिर भी इसमें एक्सपेंशन ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हमने जो दूसरा आपका सवाल था कि हम डाइवर्सिफिकेशन क्या कर रहे हैं या और प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च कर रहे हैं, हमारी कंपनी के दूसरे जो वेंचर्स हैं उसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें हम कर रहे हैं, बट वायर एंड केबल में हमारी एक्सपेंशन सिर्फ वायर एंड केबल में ही होगी। अच्छा मुझे बताएं कि क्या ऐसे क्रूशल फैक्टर्स या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको गुजरने के बाद या जो मद्देनज़र रखते हुए वायर्स की ये सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है कि वो अप टू द मार्क हो? जैसे आप बात करें कि बड़ा एक क्रूशल फैक्टर है, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, तो क्या ऐसे कोई क्रूशल फैक्टर्स हैं या बेंचमार्क्स हैं या स्टैंडर्डाइजेशन हैं जिनको
फॉलो करने के बाद आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अप्रूव होती है एंड देन द प्रोडक्ट गोज आउट इन द मार्केट। देखें, वायर एंड केबल इंडस्ट्री का जो नाम है वो तभी बनता है जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। बिल्कुल। अब इस वक्त कॉपर गाइड केबल्स के पास मोर देन 10 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मौजूद हैं। अच्छा, उसमें एक कीमा हॉलैंड जो दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्टरी है, हमारी केबल वहाँ से टेस्टेड है। सही। फिर PCSIR लेबॉर्टरी से टेस्टेड है। ओके। फिर हाई वोल्टेज लेबॉर्टरीज UET लाहौर से टेस्टेड है। UET टेक्सला से टेस्टेड है। इसी तरह हमारे अपनी जो फैक्ट्री के अंदर लेबॉर्टरी है वो भी किसी यूरोप, अमेरिका या इंग्लैंड की लेबॉर्टरी से कम नहीं है। वही टेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं जो दुनिया में हो रहे हैं। सही। और यही वजह है कि हमारा ग्लोबल VN है Fortune 500 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने तो सारे स्टैंडर्ड्स मीट किए हैं और उसके बाद हम इस वक्त फील्ड में और मार्केट में काम कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने कॉपर गाइड को कह लें टेकअप किया और इसका सोचा और इनिशिएट करना शुरू किया, तो क्या चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए, या ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं किसी न्यू बिजनेस को या एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हमें रहना है। अगर हम चैलेंजेस से डरते रहेंगे फिर तो हम ना कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ना कोई ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ना ही बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा चैलेंज कभी अपने रास्ते में रुकावट नहीं समझा है। सही। पाकिस्तान में कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो मीटेबल नहीं है। लिहाजा आप काम शुरू करें। सही। जितने हमारे इदारे हैं उनके साथ मिलकर काम करें, उनसे गाइडलाइन दें। हाँ। अगर कोई इदारा आपको तंग भी करता है तो उसके साथ बैठ के उसके मसले आप हल करें, उससे कहें हमारे मसाइल हल करें। सही। तो कोई ऐसा चैलेंज, बिग चैलेंज नहीं है। हाँ, हमें गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो कुछ फैसिलिटेशन हैं जो अभी वो नहीं उस लेवल पे प्रोवाइड कर पा रही जो कि होनी चाहिए। लाइक इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज़्यादा लगनी चाहिए, तभी बेरोज़गारी ख़त्म होगी, हमारा इंडेक्स अपना इकानमी का तभी बढ़ेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एट लीस्ट इंडस्ट्री के लिए जगह तो फ्री दे दें। अब इंडस्ट्री की जगह इतनी महंगी हो चुकी है कि जो डिफेंस का रेट है वही जितनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर भी वही रेट्स चल रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील होगी कि इंडस्ट्री के लिए जगह फ्री कर दें। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे डिटेल में भी पूछना था, बट उससे पहले आई वुड वांट टू आस्क, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री जो ये वायर्स और केबल्स की, क्या आप इसमें कितनी पोटेंशियल देखते हैं टू द पॉइंट के ये फॉरेन एक्सचेंज में भी जो है कॉन्ट्रीब्यूट करें, सो दैट यू नो इट कैन हैव एन पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी? मतलब क्या पोटेंशियल आप देखते हैं, क्या अनटैप्ड है या कितना अभी एक्सप्लॉयट और हो सकता है जो नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में? देखिए मैम, अभी तो हम सिर्फ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। मैंने चाइना जाके विजिट किया तो वहाँ पे 80% चाइना की इंडस्ट्री जो है वो यूरोप और अमेरिका की केबल्स बना के उधर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान में बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ पे सिर्फ कुछ सर्टिफिकेशन हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद हम बहुत ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हम अपनी केबल्स डॉलर्स में बेच सकते हैं, कुछ हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी इंशाल्लाह बहुत हमारे जेन में है, ये प्लान्स हैं। हाँ। कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है एक्सपोर्ट्स भी, और एटलीस्ट देखें अभी इम्पोर्ट्स पे बर्डन तो कम आया है हमारा, गिवन कि हम, हो जाए। हाँ, घर में घर इन द सेंस कि दिस इज़ आर होम, इन द सेंस कि हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो तो है, बट इवेंचुअल गोल शुड बी ऑफ ऑगमेंटिंग द एक्सपोर्ट्स। ये हमारा पहला गोल तो ये है कि हम, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम इम्पोर्ट्स को कम करें। हाँ। अगर हमारी इम्पोर्ट जीरो हो जाती है तो ये भी हमारी किस्म की बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद फिर हम एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है और हम इस पर वर्क कर रहे हैं। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो खासतौर पर वायर एंड केबल है, उनको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस रिगार्ड में एक तो आपने कहा कि गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट के लैंड को जिस तरह वो डील करें, उसके अलावा आपके ओपिनियन में क्या ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं विच कैन एलिवेट दिस इंडस्ट्री इवन मोर? हाँ, एक तो सबसे पहला तो आपने खुद ही जैसे अभी डिस्कशन हुई कि लैंड या तो बहुत सस्ती होनी चाहिए या फ्री होनी चाहिए फॉर द इंडस्ट्री। अच्छा, उसके बाद जो टैक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 17% जो टैक्स है GST, अल्टीमेटली तो कस्टमर पे ही पड़ता है ना, तो वो कम होना चाहिए ताकि कुछ रिलीफ मिले आवाम को। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्सेज हैं वो कम होने चाहिए। तो टैक्स की मद में गवर्नमेंट के पास रूम है और वो जो पास ऑन करना चाहिए इंडस्ट्री। एंड हाउ हैज कोविड बिन फॉर द बिजनेस, किस तरह से इम्पैक्ट हुआ, कैसे उसको डील किया,
वो जर्नी जो अब पिछले दो साल से तो चल ही रही है, अब कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट वो जो इनिशियल एक एक्सट्रीम लॉकडाउन था और जब चीज़ें बहुत सब कुछ बंद हो रहा था, तो हाउ वर यू एबल टू डील विद दैट? जी, कोविड ने तो पूरी दुनिया को भी डिस्टर्ब किया और डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरीके से उसको एड्रेस किया है दैट वॉज रिमार्केबल। और मैं अप्रिशिएट करूंगा कॉपरगेट की टीम को, एम्प्लॉयज़ को, कि यकीन जाने उन्होंने कहा मुझे, हमारे साथ मीटिंग हुई, हमने अपने बीओडी के अंदर उनको बुलाया और सब ने कहा सर हमारी सैलरी आधी कर दें। अच्छा, पहली तो हमने देखा कि एम्प्लॉयज़ के अंदर भी इतना जज्बा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई एक भी बंदा जो फारिग नहीं किया, सब लोग उसी तरह काम करते रहे और हम उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया और एज एन इंडस्ट्री हमने भी उनसे कॉपरेट किया। तो कोविड का टाइम मुश्किल था कुछ अरसे के लिए, तो गवर्नमेंट ने बल्कि इंडस्ट्री सारी बंद कर दी थी, फिर ऐसा ऐसा क्योंकि हम कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक इदारों के साथ काम कर रहे थे कि इंडस्ट्री को चलना ज़रूरी था, फिर हमने उनसे कोऑर्डिनेशन की, फिर इंडस्ट्री भी चलनी शुरू हो गई और वक्त के साथ साथ कोविड भी ऐसा ऐसा कम होता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर ऑन द ट्रैक और अभी हमारी सेल्स और सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि सारा पिछला जो बैकलॉग था वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि जब आपने अभी तक इतना सक्सेस देखा है, ऑब्वियसली विद योर हार्ड वर्क एंड योर प्रिसिजन, बट समटाइम्स इट्स ओनली नेचुरल कि सक्सेस इंसान के दिमाग पे भी चढ़ सकता है, डेफिनेटली बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस। तो कभी ये थॉट प्रोसेस आया कि मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया एंड यू नो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर? तो अगर कोई ऐसी थॉट प्रोसेस आए तो फिर कैसे उसमें से अपने आप को निकाल के कहते हैं कि नहीं अभी तो आई हैव टू डू मोर? एक्चुअली ये गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं। मेरा जो विजन है दैट इज़ ग्लोबल विजन और वो है टू बी कॉपरगेट शुड बी अमंग फॉर्चून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। अब वो विजन इतना बड़ा है कि मैं अगर ये सक्सेसेस को काउंट करना शुरू कर दूँ मेरा असल रास्ता रुक जाएगा। सही। तो लिहाजा वो विजन सबसे पहले जो मैंने पीछे लगाया भी हुआ है टू बी अमंग फॉर्चून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके लिए अभी मुझे बहुत कुछ स्ट्रगल करनी है, बहुत कुछ करना बाकी है। जब आपके सामने ऐसा कोई फेज़ या टाइम आए जो ज़रा चैलेंजिंग हो या अनएक्सपेक्टेड हो, डीमोटिवेटिंग हो, तो उस फेज़ में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं या हाउ डू यू कीप ऑन गोइंग, क्या करते हैं, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस? उस वक्त मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ता हूँ अपने मेंटोर से मशवरा करता हूँ, अपने माँ से मशवरा करता हूँ, अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ, बच्चों के साथ बैठते हैं, उसको लाइक एक फैमिली मैटर बनाकर हम एड्रेस करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उससे गुजर जाते हैं। That was a very new and a different way of dealing with challenges, disaster management की किताब है। सही सही, that's great, that's great। अच्छा मुझे बताएं कि जो इंडस्ट्री है ये केबल्स की, वायर्स की, इसमें रिसर्च एंड डिवेलपमेंट का कितना रोल है और आपकी जो कंपनी है वो कितनी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है इन R&D? बीइंग एन इंजीनियर, क्योंकि R&D को मैं अच्छी तरह समझता भी हूँ और इसको हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपनी कंपनी में एक बाकायदा हमने डिपार्टमेंट बना रखा है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी एटॉमिक एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारी वो जो इदारा है वो फ्रांस से और जर्मनी से केबल्स इम्पोर्ट करते थे। ओके। उनके साथ हम बैठे, उनके इंजीनियर्स को हमने इनवाइट किया अपनी फैक्ट्री में, अपनी लेबॉरेटरी में सारे टेस्ट किए, पूरी R&D की, और वो केबल जो फ्रांस से वो इंपोर्ट किया करते थे आज वो पाकिस्तान में हम अपनी कॉपरगेट केबल्स इंडस्ट्री से बनाकर उनको सारी नीड्स उनकी पूरी कर रहे हैं। तो R&D का ये रोल है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैं तो कहूँगा हर फील्ड में है, प्रोग्रेशन है ही नहीं जिस पेस पे दुनिया मूव कर रही है, तो फिर वो बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को देखना होगा, R&D करना होगा और R&D को बकायदा एक डिपार्टमेंट का दर्जा देना। और वो आई थिंक एक छोटी सी मिसाल है कि कमर्शियल और बिल्डिंग्स को तो आप छोड़ दें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में इतनी इनोवेशन है, एवरी ईयर आई थिंक समथिंग और दी अदर इज चेंजिंग और लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। पहले होम थिएटर्स नहीं होते थे, पूल्स नहीं होते थे, अब ये सारी चीज़ें भी हैं, तो आई एम श्योर उस लिहाज से भी इवॉल्व करना पड़ता होगा। बिल्कुल, वायर्स और इनसाइड सिचुएशन, हर चीज़ में डेवलपमेंट आ रही है। अभी रिसेंटली जो ग्लोबली भी डेवलपमेंट हुई है और हमने भी अपना पाकिस्तान में की है कि हम ग्रीन केबल्स बना रहे हैं। अच्छा। जिसमें जो स्मोक है वो नहीं होता केबल्स में, अगर किसी भी वजह से कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है या किसी एक्सटर्नल सोर्स से आग लग सकती है बिल्डिंग में,
तो जो हम केबल्स बना रहे हैं उसमें से टॉक्सिक वो ब्लैक फ्यूम नहीं निकलेंगे, वाइट फ्यूम्स होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, और उससे जो जो भी इंसानी लाइव्स हैं वहाँ से आराम से वो अपने पैसेजेस से गुजर जाएंगे और कोई जाने नुकसान नहीं होगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर बिग प्रोजेक्ट्स, करतारपुर इज़ वन ऑफ योर वेरी प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स, जिसको कह लें पूरा लाइट अप आप लोगों ने किया, कॉपरगेट ने किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और उसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट दैट यू वुड वांट टू शेयर विद अस? देखें, करतारपुर कॉरिडोर एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था, बिल्कुल, और कॉपरगेट केबल्स के हिस्से में आया, हमने वो सारी केबल्स वहाँ पे दी, और उसमें मैम जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि बहुत जल्दी उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना था, तो हमने रात दिन 24 घंटे, फैक्ट्री वैसे भी ऑन रहती है लेकिन उन दिनों में हमने समझे 28 घंटे काम किया, तो अग्रेसिव होके काम किया, वो सारी केबल्स हमने सप्लाई की और वो प्रोजेक्ट रोशन हुआ कॉपरगेट केबल से। तो हमारी टीम सारी बड़ी मोटिवेटेड है कि हम इवन टफ चैलेंजेस को भी मीट कर सकती हैं, और उससे हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, और बल्कि मुझे भी इनवाइट किया गया, और वहाँ पे अच्छी पजीराई के बाद फिर आप इंसान के अंदर एक और मोटिवेशन आती है। तो उस जज्बे ने ये काम किया कि लाहौर से जो कराची मोटरवे बना उस पर हमें प्रोजेक्ट मिले, लाहौर से सियालकोट मोटरवे प्रोजेक्ट हमने किया, फिर इसी तरह हजारा का किया, बहुत सारे काम हमने किए। कॉपरगेट इज रूलिंग पाकिस्तान देन? या अल्हम्दुलिल्लाह, हम ग्लोबली रूल करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। गिवन कि वी वर डिस्कसिंग द सक्सेसेस एंड द हाइज, तो मुझे ये बताएं कि जब आपने अभी तक इतना सक्सेस देखा है, ऑब्वियसली विद योर हार्ड वर्क एंड योर प्रिसिजन, बट समटाइम्स इट्स ओनली नेचुरल कि सक्सेस इंसान के दिमाग पे भी चढ़ सकता है, डेफिनेटली, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस। तो कभी ये थॉट प्रोसेस आया कि मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, एंड यू नो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर? तो अगर कोई ऐसी थॉट प्रोसेस आए तो फिर कैसे उसमें से अपने आप को निकाल के कहते हैं कि नहीं अभी तो आई हैव टू डू मोर? एक्चुअली ये गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं। मेरा जो वीजन है दैट इज़ ग्लोबल वीजन, और वो है टू बी कॉपरगेट शुड बी अमंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। अब वो वीजन इतना बड़ा है कि मैं अगर ये सक्सेसेस को काउंट करना शुरू कर दूँ तो मेरा असल रास्ता रुक जाएगा। सही। तो लिहाजा वो वीजन सबसे पहले जो मैंने पीछे लगाया भी हुआ है टू बी अमंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके लिए अभी मुझे बहुत कुछ स्ट्रगल करनी है, बहुत कुछ करना बाकी है, और अपनी टीम को साथ साथ मोटिवेट रखना। हर साल मेरी कोशिश होती है कि मैं और एक्सपर्ट्स को अपने साथ ऐड करूं, हर फील्ड का प्रोफेशनल मुझे चाहिए, और कोशिश यही है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ें, बिल्कुल, और हमारा पोर्टफोलियो विद इन वायर एंड केबल्स इंडस्ट्री बढ़ता जाए। हाउ डू यू सी द कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री, और किस तरह से डील करते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, एक बात पता नहीं इंटरेस्टिंग है या क्या है, मैंने कभी अपने कंपटीशन को कंपटीशन नहीं समझा, मैं उनको अपना दोस्त ही समझता हूँ। अच्छा। और मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ मार्केट में लॉन्च करूँ जो कि इम्प्रूव फॉर्म में हो, जो पहले पाकिस्तान में ना बन रही हो। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अपार्ट फ्रॉम आर कन्वेंशनल केबल्स जो हमारे वापडा और के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, उससे हटकर हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप कर ली हैं पाकिस्तान में पहले बनती ही नहीं थी। लाइक हम ऐसी स्पीकर वायर बना रहे हैं जो जिसकी सर्टिफिकेशन बाहर से है, वो केबल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम फायर अलार्म केबल्स बना रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं बनती थी, सब इम्पोर्ट हो रही थी। नेटवर्किंग केबल्स हम बना रहे हैं जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने बनाई। तो इसलिए हमारा कंपटीशन के साथ बड़ा फ्रेंडली होता है और हम बड़ा अच्छे तरीके से उनको उनके साथ बातचीत करते हैं, हैंडल करते हैं, और हम उनको कम्पीट करते हैं इन अ फ्रेंडली वे। एंड व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ कॉपरगेट? आज भी हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट डायरेक्ट मार्केटिंग है। ओके, बस हमारा वन लाइन जो एक जिसे अक्सर लोग कहते हैं कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, हमारा आज भी वही है कि हमने डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, और जो भी हम बेनिफिट दे सकते हैं वो हम अपने एंड यूज़र को देंगे, खा वो क्वालिटी का बेनिफिट है या प्राइस का बेनिफिट, वो दोनों हम अपने एंड कस्टमर को देंगे। अच्छा, गिवन दैट वी आर नाउ इन द डिजिटल एरा और एक एवोल्यूशन चला है जिस टेक का, आईटी का, तो उसमें आपकी नज़र में हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट फॉर द कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री टू ऑटोमेट देमसेल्व्स, और आईटी की या टेक की इन्वॉल्वमेंट की जगह है इस फील्ड में फर्स्टली, और कितनी ज़रूरी है इस वक्त जिस हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं जी? हर चीज़ ऑनलाइन है, बिल्कुल, तो इसलिए डिजिटलाइजेशन का दौर है, बिल्कुल, हमारा ऑनलाइन स्टोर भी काम कर रहा है। अच्छा। और इसी तरह बाकियों का भी कर रहा होगा। अच्छा, डेफिनेटली।
तो ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए भी हमें ऑर्डर्स आते हैं, फिर हम अपने जो मुख्तलिफ डिजिटल टूल्स हैं वो अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की गाइडेंस के लिए हमारे मुख्तलिफ छोटे छोटे जो स्लोगन्स हैं वो पास ऑन होते रहते हैं और हम पब्लिक के साथ वी आर वेरी मच इन टच। अच्छा, मूविंग ऑन, मुझे बताएं कि जब आप किसी यंग प्रोफेशनल को अपनी टीम का हिस्सा बनाना हो, इंटरव्यू का एक जो प्रोसेस होता है, जनरली आप ऐसे क्या ट्रेट्स हैं जो देखते हैं एक यंग प्रोफेशनल में एंड देन यू फील दैट दिस पर्सन शुड बी पार्ट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन? ऐसे कोई ट्रेट्स हमें बताएं सो दैट दे वुड बी हेल्पफुल फॉर द पीपल यू नो हु आर परसुइंग करियर्स इन दिस फील्ड आल्सो। अच्छा मैम, जो मैं अपने इस उम्र तक, छोटी सी उम्र तक मैं समझा हूँ वो ये है कि समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा तजर्बाकार लोग नहीं चाहिए होते। ओके, यंग प्ले मोर देन एक्सपीरियंस पर्सन। सही, आजकल जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो घर बैठ के फैसला कर लेते हैं कि ये काम होना है नहीं होना है, वो उस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन अभी हमने अपना हिस्सा अपना शेयर मार्केट से लेना है, उसके लिए हमें फील्ड में जाना ज़रूरी है। सही। तो हमारी ये मेन जो फ्रेम ऑफ वर्क है वो ये है कि इनिशिएटिव लेने वाला है कि नहीं है, फील्ड में भागने वाला है कि नहीं है, या सिर्फ वो दफ्तर में बैठ के काम करने वाला है। सही। तो हमें तो वो लोग चाहिए, वो नौजवान चाहिए जो डिग्री के साथ साथ अपने अंदर एक मोटिवेशन भी हो और सेल्फ स्टार्टर्स हों। सही। वो कुछ काम करना चाहते हो, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल डिग्रियां तो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर रह गया है, उनमें कुछ नहीं पड़ा। वो ठीक है, एक जॉब लेने के लिए, एंट्री के लिए तो ठीक है, उसके बाद जो इंडिविजुअल की अपनी मेहनत है, अपना उसका स्टाइल है, उसका अग्रेसिव होना, वो हमें ज़्यादा पसंद होता है। एंड आई थिंक एक ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप 6 माह में सीख जाते हैं ना, वो आपने अपनी पूरी डिग्री में वो नहीं वो एक्सपीरियंस लिया होगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल, वहाँ इतना पढ़ा भी नहीं सकते हो आजकल तो। वैसे पिछले 2 साल से जो कोविड के हालात जैसे पढ़ रहे हैं, अब तो इंजीनियर और डॉक्टर्स भी ऑनलाइन बन रहे हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल अप्रोच में जाना चाहिए कि उसके अंदर क्या है, वो क्या करना चाहता है या क्या करना चाहती है, जो भी है उस इंडिविजुअल पे जाना चाहिए। एक छोटा सा कहावत है ना कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अब रीसेंग आ गई है A man is known by the way he keeps. कि वो अंदर उसके क्या है, वो क्या बनना चाहता है। एनवायरनमेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने काम करना है, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, धूप है, जो करने वाला उसने काम कर लेगा। बिल्कुल। और व्हाट इज योर टेक ऑन वुमेन बीइंग पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, और जनरली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें खवातीन एम्प्लॉइज की जगह है नहीं है, क्या स्टेटस है उस लिहाज से? देखिए, कॉपर गाइड केबल्स क्योंकि ग्लोबल वीएन रखती है, तो हमने वेमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया, उनको एम्पावर प्रैक्टिकली किया है। सही। और हमारी कंपनी में पहली दफ़ा हमने मार्केटिंग में भी ख़वातीन को इंडक्ट किया है। अच्छा। तो ऑफिस से हटकर भी मार्केटिंग भी वो कर रही हैं, सेल्स भी कर रही हैं, तो ज़रूर ख़वातीन को आगे आना चाहिए। एंड व्हाट इज़ योर इन्वॉल्वमेंट एंड टेक ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स या एक्टिविटीज़ जो कॉपर गैट करता हो फॉर दैट एस्पेक्ट? कॉपर गैट केबल्स CSR एक्टिविटीज़ में बहुत आगे है। अच्छा। बहुत अच्छा सोच रखती है। हमने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है यकीन फाउंडेशन के नाम से। ओके। और जिसका पोर्टफोलियो पूरे पाकिस्तान में जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज जी, जो मतलब रिमोट एरियाज हैं, ओके, वहाँ पे हम लोग मेडिकल कैंप लगवाते हैं। अच्छा। और कुछ इलाकों में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, उनको हम रिवैम्प करके, अपग्रेड करके दोबारा गवर्नमेंट के हवाले करते हैं कि वहाँ पे अच्छी तालीम हो। सही। और इसी तरह लाहौर में और बाकी शहरों में हम लोग ब्लड कैंप लगवाते हैं। ओके। सुंदर फाउंडेशन के साथ हमारा अच्छा JV चल रहा है, हमारी फैक्ट्री में भी वो ब्लड कैंप लगाते रहते हैं, और हम तो खुद खून देते हैं उनको तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं भी खून दे रहा होता हूँ तो जितनी हमारी फैक्ट्री के लोग हैं वो सब फिर लेट जाते हैं और एक एक बोतल ले रहे होते हैं। That's amazing. That's really nice. तो हम CSR एक्टिविटीज़ वी बिलीव इन, और हमें मुआशे का एक अच्छा शहरी साबित होना चाहिए बीइंग अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। तो कॉपर गैट क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी है, तो हमारी कोशिश है कि हम मुआशरे के साथ मिलजुल कर काम करें और ख़ासतौर पर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े एंड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। गिव बैक टू द सोसाइटी इज मस्ट। यू हैव कम्युनिकेटेड योर विजन फॉर कॉपर गैट, बट जनरली लेट्स से इन द नेक्स्ट कमिंग अप 5 years, व्हाट डज फ्यूचर होल्ड फॉर कॉपर गैट?
ये कॉपर गेट का ग्लोबल वीएन हमारी टीम के हर मेंबर को पता है कि हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं और एक एक मेंबर्स को अच्छी तरह ये हमने कम्युनिकेट किया है और ही नोज ही और शी नोज। ओके, तो हमारा पहला ग्लोबल वीएन तो ये है कि वी शुड बी अमंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एज सून एज पॉसिबल। मूविंग ऑन, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल डिसीजंस, तो कोई ऐसा डिसीजन जो आपने लिया हो और बड़ा मुश्किल लगा हो? देखिए, एक किसी एम्प्लॉय को फारिग करना हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है और नॉर्मली वो डिसीजन मैं नहीं लेता, ना मैं ले सकता सही। और जो आपने कहा लाइफ में टफ डिसीजन हो, लाइफ में टफ डिसीजन ये था कि मैंने जब लाहौर में यूईटी में डिग्री कर रहा था, यानी इंजीनियरिंग के दौरान भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई बिजनेस से हट के काम करूँगा। ओके, दैट्स वाई कि आई स्टार्टेड बिजनेस राइट आफ्टर माई डिग्री। अच्छा, ये एक बड़ा डिसीजन था। अच्छा, यू हैव कम्युनिकेटेड योर विजन फॉर कॉपरगेट, बट जनरली लेट्स से इन द नेक्स्ट कमिंग अप 5 years, व्हाट डज फ्यूचर होल्ड फॉर कॉपरगेट? ये कॉपरगेट का ग्लोबल वीजन हमारी टीम के हर मेंबर को पता है कि हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। सही। और एक एक मेंबर्स को अच्छी तरह ये हमने कम्युनिकेट किया है और ही नोज ही और शी नोज। ओके, तो हमारा पहला ग्लोबल वीजन तो ये है कि वी शुड बी अमंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एज सून एज पॉसिबल। ओके, अगले जो 2-4 सालों में आप देख रहे हैं तो हम सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। अच्छा, यू हैड अ वेरी सक्सेसफुल ट्रैक और एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हु हैज बीन अचीविंग माइलस्टोन्स, आपका रोल मॉडल या इंस्पिरेशन कौन रहा? देखिए, मेरा रोल मॉडल सही मानो में पूछे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि उनकी मैंने छोटी सी एक स्टोरी पढ़ी थी कि जब वो एज ए बिजनेस पर्सन हज़रत खदीजा ने उनको अपॉइंट किया तो पहले जो काफ़िले जाते थे अरबों के, वो 6-6 महीने साल साल बाद वापस आते थे। जब उनको उन्होंने मैनेजर बना के भेजा तो वो सिर्फ चंद दिनों में ही वापस आ गए। और जब उन्होंने इत्तला दी हज़रत खदीजा को कि भाई मोहम्मद आ गए हैं आपके जो मैनेजर हैं, और वो परेशान हुए कि इतना जल्दी कैसे आ गए, तो उन्होंने सवाल किया कि मोहम्मद आप इतने कम दिनों में वापस आ गए, कहीं काफिला लुट तो नहीं गया? तो खूबियां और खामियां बताना, ये बिजनेस का पहला जो रूल हमने सीखा, ये हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा एज ए बिजनेस पर्सन। तो वो जो उनकी एक इवेंट था उससे मैंने ये सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें हम बनाएं और उनको अच्छा करके बेचें। अगर कोई चीज़ हमारी ख़राब है तो उसकी हम प्राइस कम लगाएं, कम करके बेचें क्वालिटी के लिहाज। तो जो हमने डिसिप्लिन सीखा है अपने लीडर से, वही डिसिप्लिन हमें एग्जिबिट करना चाहिए और यही हमारी कामयाबी है। अच्छा, नाउ वी विल मूव ऑन टू सम शॉर्टर लाइटर क्वेश्चंस। बहुत हमने टेक्निकल प्रोफेशनल सवाल आपसे किए हैं, तो थोड़ा सा टू नो मोर अबाउट योर पर्सनालिटी, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू? देखिए, मेरे साथ मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी खुश हो तो मैं समझता हूँ ये मेरी कायनात है। आई थिंक ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है फॉर अ मैन इन सब कॉन्टिनेंट, कि ही इज़ एबल टू कीप हिज वाइफ, मदर एंड किड्स हैप्पी, नथिंग लाइक इट। जबरदस्त, दैट्स अ ग्रेट आंसर। अच्छा, एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड और ब्रेक लेना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? नमाज पढ़ता हूँ, नवाफिल नियत कर लेता हूँ, पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला मसले हल कर देता है। सही। और गोल्फ? हाँ, अगर वो जो आप बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई है तो अगर मैं वो कोई बीच में ब्रेक लेना चाहता हूँ तो मैं गोल्फ खेलना शुरू कर देता हूँ। गोल्फ में क्योंकि प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, ग्रीनरी बहुत होती है, फिर आप वहाँ पे आइसोलेशन में चले जाते हैं ना, कि वहाँ पे बंदे बहुत कम होते हैं, या दरख्त होते हैं, या घास होती है, या गोल्फ होती है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला की एक कुदरत को आप बड़ा क्लोजली देखते हैं। सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सब लोग गोल्फ खेलें अगर आप स्ट्रेस को रिमूव करना चाहते हैं। सही। और गुस्सा जो है वो तेज है, कम है, और अगर गुस्सा आ जाए तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? गुस्सा बिल्कुल आ जाता है, उस वक्त ठंडा पानी पीता हूँ और एक जगह बैठ जाता हूँ या लेट जाता हूँ, तो थोड़ी देर में कोई चीख चिखाड़ शोर बर्तन नहीं तोड़ता हूँ बर्तन नहीं तोड़ते, उससे पहले का सब कुछ हो जाता है।
it's a natural human instinct as long as we know how to manage it. बिल्कुल है. तो ये तो natural है. गुस्से को manage करना चाहिए. Anger management के ऊपर books मैंने काफी पढ़ी हैं. कुछ अपने mentors से सीखा है. गुस्से को management करना, anger को manage करना, ये obvious है business में. बिल्कुल, बिल्कुल. और उनको बड़ा patiently हम देखते हैं. अच्छा, जैसे आप अपना एक पूरा rundown हमें बता रहे थे of your professional day. तो इतने मसरूफ दिन में, रूटीन में कैसे बैलेंस करते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को, फैमिली के टाइम को किस तरह बैलेंस आउट करते हैं? देखिए, कोई भी प्रोफेशनल बंदा है तो उसकी फैमिली के साथ समटाइम्स क्लैशेस भी आते हैं, बट ये उसकी मेहरबानी है कि वो हमारे साथ चल रही होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ही जो मेरी बेगम साहिबा हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने बच्चों को बड़ा अच्छा ट्रेन किया, बड़ी अच्छी तरबियत दी. अभी एक बच्चे ने तो हमें ज्वाइन भी कर लिया है कॉपर गेट की बस में, तो आई एम थैंकफुल टू हर. तो उसने बड़ा अच्छा मैनेज किया, उसने मुझे भी फुली कारोबार के लिए स्पेयर किया, अंडरस्टैंड किया, उसने अपने घर को संभाला. तो ये एक वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस होना चाहिए. ये हर फैमिली में होता है और इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल अकलमंदी बीवी को ही करनी पड़ती है. बिल्कुल. वो इफ़ ही अंडरस्टैंड सारे मसले हल हो सकते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस में भी मेरी बीवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है. एंड दैट्स वेरी नाइस दैट यू आर गिविंग क्रेडिट आउट एंड लाउड. रियली? हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है. ज़रूरी भी है, बिल्कुल. अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं और अगर ट्रैवल करते रहें तो ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड इंटरनेशनली. कोई ऐसी डेस्टिनेशन जो आपको बहुत अच्छी लगती है एंड यू वांट टू कीप ऑन गोइंग बैक देयर? देखिए, मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को ट्रैवल किया है, देखे हैं. ख़ास तौर पे एग्जीबिशंस बहुत विजिट किए हैं. ओके. क्योंकि हमारे वायर एंड केबल्स फील्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जीबिशन हो, अच्छा, कहीं भी हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जाके देखूँ. सही. और ऐसा ऐसा फिर वही वाली जो इनोवेशन है, हाँ, जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स है, उनको मैं पाकिस्तान में लेकर, सही, ख्वाह अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना में ज़रूर जाता हूँ. तो सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर किया वो टर्की ने किया. टर्की? ओके. टर्की की एक वायर एंड केबल इंडस्ट्री मैंने देखी, तो वो वाकया बहुत आगे की चीज़ नहीं, लेकिन एक कह लेना टूरिज्म के लिहाज से. हाँ, टूरिज्म के लिहाज से आपका क्वेश्चन अपनी जगह पे दुरुस्त है. टूरिज्म के लिहाज से अगर देखें दुनिया में, तो मैं बार बार चाइना जाना चाहूँ. चाइना? चाइना ने इतना कुछ डेवलप कर दिया अपने, उन्होंने विलेजेस में भी, शहरों में भी, और ख़ास तौर पे जो मीन्स ऑफ ट्रेवल्स हैं, लाइक उनकी जो एयरलाइंस हैं, और उनके जो रेलवे ट्रैक्स हैं, देखने वाले हैं. आई थिंक वो एक फीलिंग ऑफ एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट वो वहाँ पे मिलती होगी. लेकिन ये यूरोप है या अमेरिका, ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, और वो थोड़े यूरोप तो एक हिस्टोरिक जोन में भी इंसान चला जाता है ना जाके. बिल्कुल. लेकिन जो हम अपने मतलब हमारे जो एरा में चीज़ें डिवेल्प हुई हैं वो चाइना की देखने वाली हैं. डेफिनेटली. और जो कि हमारे काम भी आती हैं, और वहाँ से एक बहुत ज़्यादा इंस्परेशन मिलती है कि आप भी बहुत तरक्की कर सकते हैं. और पाकिस्तान में कोई ऐसी डेस्टिनेशन, जगह जहाँ आप जाते हों एंड यू लाइक द वाइब? पाकिस्तान में आई लव कलाम. कलाम, कलाम वादी बहुत अच्छी है, वहाँ जाना चाहिए. अब है भी नई डेवलप हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है. मरी से हट करना, अब नई चीज़ों को ड्रॉप करना चाहिए. ट्रू. तो पाकिस्तान को प्लीज़ डिस्कवर करें, पाकिस्तान को देखें, आप बाकी तमाम दुनिया को भूल जाएंगे. और हमारे चैनल का भी यही पर्पस है कि हम वो अनटैप्ड और अनएक्सप्लोर्ड जो हमारी कंट्री की खूबसूरती है, एरियाज हैं, चीज़ें हैं, वो हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं. बिल्कुल, देखनी चाहिए. पाकिस्तान देखने के काबिल है और किसी भी दुनिया के मुल्क से कम नहीं. बिल्कुल. और मैं आपके चैनल को वाकई अप्रिशिएट करता हूँ. एक तो आपका नाम बहुत प्यारा है, डिस्कवर पाकिस्तान, और हमें सबको डिस्कवर करना चाहिए. बिल्कुल, डेफिनेटली. Now towards moving to the end, मुझे बताएं कि आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इम्प्रेसिव इंस्पायरिंग जर्नी रही है. तो अपनी जर्नी से आपने ख़ुद क्या सीखा? मैंने अपनी इस वक्त तक की जर्नी से जो सीखा है वो ये है कि हमेशा अपना मकसद बड़ा रखें. जब आपका एम हाई होगा तो जो ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल हैं ना, वो आपको कुछ नहीं कर सकते. That's a very good advice. आप बड़ा मकसद रखें और छोटे छोटे मसाइल को भूल जाएं. जब आपकी मंजिल आगे की होती है ना, फिर आप लोगों से उलझते भी नहीं हैं और छोटे छोटे अचीवमेंट के लिए रोते भी नहीं हैं. रियली, आई रियली लाइक दिस एडवाइस. आई थिंक ये बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है. यस. हाँ, अभी करके देखें, मकसद हाई रखें बस. ज़बरदस्त. ऑन एन एंडिंग नोट, आई वुड वॉन्ट कि आप हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे शो को देखते हैं, जो इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे होंगे, उनके लिए एक मैसेज, एडवाइस, वो क्या होगी?
जी, मैं अपनी जो नौजवान नस्ल को आपके डिस्कवर पाकिस्तान चैनल के ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि ऑलवेज एम हाई और फियर का शिकार ना हूँ, इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। सिर्फ और सिर्फ एम हाई रखना है और लो एम इज़ क्राइम इन माई डिक्शनरी। ऑलवेज थिंक हाई, अचीव हाई, अचीव बिग, और छोटे छोटे चीज़ों में ना उलझे। सही, दिस इज़ माई क्लियर मैसेज। आई थिंक दीज आर सम गोल्डन वर्ड्स जो के रियली कोई फियर नहीं। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको जिंदगी की हर चीज देकर भेजिए, आपको एक कंप्लीट इंसान होना सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, उसके बाद तो आपकी सोच है ना, आप जितना अपना बड़ा मकसद रखेंगे, अपना उतना गोल अचीव करने के लिए स्ट्रगल करेंगे, उतना ही जल्दी आपको उसका रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एम हाई, फियर का शिकार ना हूँ, नो फियर, और कामयाबी आपके कदम चुमेगी। जबरदस्त, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, आपकी जर्नी के बारे में जो सारा कुछ हमें पता चला, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंप्रेसिव। आपने इतना टाइम निकाला, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक यू ऑल टीम ऑफ डिस्कवर पाकिस्तान। सो दिस वॉज अ कॉन्वर्सेशन विद मियाँ सफदर हुसैन, अ ट्रूली इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन वेयर वी गॉट टू लर्न सो मच अबाउट द वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ कॉपरगार्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल। फॉर मोर सच कॉन्वर्सेशंस, कीप ऑन वॉचिंग आवर शो मीट द सीईओ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।